दोस्तों हम रेडी होने जा रहे हैं माता के दरबार पे जाने के लिए वैष्णो देवी कटरा। यहाँ पर आप देख रहे हो दोनों ही रेडी हो चुके हैं दरबार पे जाने के लिए, सिर्फ मैं ही निकम्मा हूँ जो अभी तैयार हो रहा हूँ। देखते हैं 3:30 बजे का टाइम हो गया, 4 बजे की हमारी ट्रेन है। मैंने डाल दिया चश्मा, चश्मा लगा के मैं देवानंद का वाइब लगता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं गूगल डाल लिया मैंने, मजा आएगा आपको बहुत, हमारे साथ जुड़े रहे। जय माता वैष्णो देवी दरबार पे जाने के लिए अंकल भी रेडी हो चुके हैं। बोल दो अंकल जय माता दी। प्यारो जय माता दी। ये रहा माइक ही है, ये नहीं दो माइक लेके आए हैं। ये देखिए टॉपी वाला माइक था पहले, वो वाला अब असली का माइक। ये मकान को लॉक लगाते हुए दरबार में जाने की खुशी से अब हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। ये है गीता मासी, हेलो जय माता दी, और ये अंजलि, अंजलि ठाकुर छावड़ा, और ये हमारी बुआ, आप इनसे मिल ही चुके हैं पहले, जो पर्स चेक करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, जेब कतरों से सावधान। और यहाँ पे हमारे अंकल जी आगे, तो एक बारी जय माता दी। वो कितनेगा ओ दोस्त, क्या हाल है दोस्त, और इसे मिले आप बजने की, इधर छुपने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो बच्चियां, ये दो बच्चियां आ रही हैं यहाँ पर, ये लापता हो गई हैं, पर इनके चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही, ये मुस्कुराहट के साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार बोल दो जय माता दी। ये मोबाइल को छीनते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक और मोबाइल है, ध्यान से देखिए, इन जेब कतरों से सावधान रहने की जरूरत है। और यहाँ पर एक और है। नमस्ते मास्टर, नमस्ते, आप नमस्ते देख लीजिए कैसे नमस्ते बोले। बोलो एक बार फिर से, एक्शन एक्शन। क्या क्या बोला आपने, कौन है? ओए राहु केतु की जोड़ी बता रहे हैं। हल्की हल्की स्माइल देते हुए राहु केतु की जोड़ी, राहु केतु का प्रभाव पड़ गया ना तो उपाय के बाते भी रोगे। यहाँ पे देख लो सारे आम धमकी देते हुए सूरज भगवान जी, ये रे इनके दर्शन कर लीजिए, ये जीते जागते। ओ दोस्त, यहाँ पे लाइव तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिए बैग ही नहीं, बैग का जो हैंडल है वो ही नहीं नीचे जा रहा, इस तरह के नकली बैग यहाँ पे खरीद लेते हैं। शक्ल दिखाना मैडम अपनी, वो ये देखो लात मारते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह के बैग कोई कंपनी का बैग लिया करो। और यहाँ पे देख लो रिपोर्टर के मुख का दिखाते हुए, कितने साल बाद तुसे जा रहे हो? काफी टाइम हो गया, 8 से 10 साल हो गया, उस दौरान में हमारे साथ गए थे, ऐसे ही था। हाँ बिल्कुल। तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। हे लिसन टू मी, कैमरा मैन थोड़ा सा आगे लाए और अब कैमरा उधर घुमाए। अच्छा भैया से कोई नाराज गया क्या? तो आप तो यहाँ बैठे हैं भाभी जी, और भैया वो 100 मीटर डिस्टेंस पे बैठे हैं, इसका क्या कारण है? हाँ? वो वहाँ पर काम कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। या उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि साथ बैठ सके। इंटरव्यू शुरू करो। अच्छा कितने साल के बाद जा रहे हो? 2 साल, 3 साल? 2 साल हो गए। 2 साल? 2 साल हो गए। हमारे दोस्त क्या कहना चाहेंगे? दोस्त तो शर्मा गए हैं। दोस्त बताओ कुछ कहना चाहते हैं आप? आप क्या कहना चाहेंगे? जय माता दी। तो ठीक है, आपके बिजनेस में नमक है? दांतों को क्यों बांध रखा है? चाहिए मैंने अपने दांत महंगे दिखाने के लिए, जो कि आपके दांतों में नहीं लगे हुए, इसके कारण आपके दांत टेढ़े मेढ़े। तो सुनो मेरी बात, फिर आप गोल्ड का लगवाते हैं या फिर यहाँ पे चांदी का लगवाते हैं?
ये आयन की तारीफ हम बता दें, ये राहु केतु हैं, आप जब संभल के बात आप कौन है सर? आप ही बताइए, आप ये सब कहना चाहते हैं? देखिए हम ऐसा है, जो बात होती है वो बात से बात होती है, हम वही बात करना चाहते हैं जो आप बात कर रहे हैं, और बात उधर कीजिए। ये सूर्य भगवान जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं सूरज भगवान जी, जय हो सूर्य देवता की, जय हो, प्रणाम। क्या कहना चाहेंगे आपको? हम हमेशा नमस्कार करते हैं, 12 तरह के योग आसन करते हैं, इसके बारे में बताइए आप। आपको कैसा महसूस होता है जब हम 12 तरह के योग आसन करते हैं? सूर्य नमस्कार, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ये तो कोई और ही मंत्र का जाप कर रहे हैं। ये जी अंकल, बहुत फुर्ती, क्या उम्र होगी अंकल आपकी? 70 के करीब है। और ये भागते हुए जाते हैं, यानी कि अगर घोड़े से भी अगर रेस करवाई जाए तो घोड़ा पीछे रह जाएगा, पर अंकल पीछे नहीं रह सकते। ऐसे ही जय करे माँ वैष्णो देवी वाली का। तो टाइम हो गया शाम के 4:20 और हम ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं जन शताब्दी एक्सप्रेस फ्रॉम करनाल टू चंडीगढ़। हियर वी गो। कौन सी टिकट है? सुपरफास्ट की। और ये कौन सी ट्रेन है? जन शताब्दी। तो आप इसमें बैठ गए और आपको सीट भी मिल गई है, क्या आपकी रिकॉर्ड हो रही है लाइव? वकील साहब हमारे साथ है जी, एडवोकेट साहब, आप ये केस लेना वायरल करो, क्या हमारे को तो धंधा, आपको तो धंधा चाहिए है ना? तो मैं तो सोशल वेलफेयर पे वोट कर रहा हूं। हाँ, आंटी की याद आ रही। याद आ रही, बाकी याद आ रही, काल पलट गए ना। वो घर बैठी है, वो माँ ही है। अब ट्रेन शाम के 6:25 पर अम्बाला से चल चुकी है चंडीगढ़ के लिए। हम पहुंच गए चंडीगढ़, यहाँ पे चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे है, और यहाँ बैग लगेज हम काउंट कर रहे हैं। गाड़ी का नाम 045-35 है। ऋतिक रोशन देख रहे हो यहाँ पे अलग से, ऋतिक रोशन 70 साल की उम्र वाले ऋतिक रोशन। जय करे बाद शेरा वाली दरबार जय। हाँ जाओ जाओ, मजा आ रहा है। क्या तुम्हारे जा रहा हूँ, अब चलने लग जाओ, इधर देखो सामने, चलने लग जा। तो 7:15 हो चुके हैं रेलवे स्टेशन, और हम ट्रेन की वेट कर रहे हैं कालका से माता वैष्णो देवी कटरा की, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर हम खड़े हैं। तब तक रेलवे स्टेशन की कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। बैगों में से मूंगफली चुराते हैं, इन्होंने कुछ नहीं, पैसे पूछे कुछ नहीं चुराने होते, सिर्फ इन्होंने मूंगफली चुरानी होती है। देख लो 04535 जो कि माता वैष्णो देवी कटरा डायरेक्ट जाएगी फ्रॉम चंडीगढ़। अब इस ट्रेन में कर रहे हैं और बोर्ड करने वाले हैं 04535। चल पड़ी है ट्रेन। जय करे मां शेरवाली दा।